आगे हम काम करते हैं। अच्छा, हम लोग काम करेंगे आज कैसे हम सेल करते हैं और एंड मेक परचेज एंड सेल्स ऑर्डर, ठीक है, ये ऑर्डर वगैरह कैसे बनाए जाते हैं बिजनेस के अकाउंटिंग में, और इसके लिए आप लोग देखते हैं। लोग सिंपली जो है, अगर सेल इन्वाइसिंग में जाएं तो हम कस्टमर सेलेक्ट करके उसको सेल कर सकते हैं, यहाँ से नया कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका डाटा वगैरह इंटरव्यू करना है, कर लें। सेल्स के अकाउंट को लिंक करते हैं, हैंड टेबल मिल कर गया। देंगे। तो ऐसे हम लोग जो है कस्टमर यहीं पे बनाते जाएं तो बना सकते हैं। अब इस पे आप मिसाल के तौर पर सेल करना चाहते हैं, अली अहमद है, इसको हमने सेल करना है, तो इनवाइस नंबर लिखते हैं यहाँ पे। इनवाइस नंबर है हमारा 4, हाँ जो भी लिखेंगे उसकी एक तस्वीर बनाते जाएंगे, हम उस हिसाब से लिखेंगे। तो इस पे आप देखें तो क्वांटिटी और आइटम, ये हमारे पास आइटम 10 पड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तो हम 10 पीसेस नहीं करते, उसको 5 पीसेस कर देते हैं। ये यहाँ पे शो हो रहे हैं 10, तो एक ही महीने में 45,000 रुपये लगा दी उसमें। जब हम परचेज कर रहे थे तो ये आ रही थी 39, हमने लगाई, ठीक है ना, 45,000। ये 45,000 आ रही थी सेल के हमने लेवल बनाए हुए, ठीक है, प्राइस लेवल बने हुए। तो इसको आप अगर चेंज करना चाहो तो चेंज कर लो, या प्राइस लेवल अगर दूसरा एडजस्ट करना हो तो कर लो। उसके बाद आगे आपका बिल बन गया कस्टमर का 2,25,000, तो इसको आप अमाउंट पेड एट सेल, जब हम सेल कर रहे थे तो हमारे पास कितनी पेमेंट आई, मेरी आपने इस जो है लिंकिटी बनानी है, स्मार्ट ट्रांजेक्शन रेफरेंस, ये हमारी आइडेंटिटी है। रेफरेंस क्या होता है, ये हवाला लिखना है हमने इसका, इस इनवाइस का, फर्स्ट ग्रेजुएशन A I 4, मतलब ये है फर्स्ट पेमेंट अगेंस्ट इनवाइस नंबर 4। अमाउंट कितनी रिसीव हुई, 1,50,000। अच्छा, पेमेंट किस तरीके से कर रहा है, चेक से कर रहा है, आप देखें ऑनलाइन बैंकिंग भी आ गया जो हमने सेटिंग की थी, और इजी पैसा वगैरह आ गया, जैज कैश आ गया, यू पैसा जो हमने सेटिंग की थी वो सब आने लग गया, तो हमें जो है कैश दिया गया, और कैश का अकाउंट कौन सा, कैश ऑन हैंड, हो गया। अब इस पे आप अच्छा, की कर लो, तो ये हमारे पास 1,50,000 रुपया आ गया, और तो 60,000 उसके नाम लग गया, बकाया जात बैलेंस नहीं चला गया।
आप चाहो ओके इसका, जैसे आप सेल करते हो किसी शॉप पे या किसी भी जगह, किसी मार्केट में, तो आपको बिल दे दिया जाता है। जैसे कस्टमर जो है आपसे खरीदता है, तो आप उसको बिल दे देते हैं, तो आप प्रीमियम में आओ, यहाँ पे आके बिल भरा सकते हैं। कहता दिस ट्रांजेक्शन विल केस द कस्टमर बैलेंस टू गो ओवर द क्रेडिट लिमिट बाय $10,000। डू यू वांट टू कंटिन्यू? तो आप लोग बताएंगे ये क्या कह रहा है, कितनी समझ आ रही है आप लोगों को? इसका कहने का मकसद ये है कि जब हमने क्रेडिट टर्म्स की सेटिंग की थी, तो तब आपने जो है इसकी रखी हुई है 10,000 मंथली, लिमिट जो रखी हुई है $10,000 रखी हुई है उधार की, ठीक है? और ये तो काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या आप ओके करते हो? तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू के ठीक है जी, हम इसको दे देंगे। तो फिर अभी आपका जो है ये बिल बन रहा है, जो कस्टमर को हमने बिल देना, तो इसमें हम वीडियो में जाते हैं, तो हमारा जो है सिंपल सा बिल एक सामने आ जाता है। तो ये बिल बन गया। इवनेक्स स्टूडेंट ग्रुप हमारी कंपनी का नाम है, मॉडर्न टाउन। ये अगर इसमें फैक्स नंबर वगैरह लिखा हो तो आ जाएगा, सोल्ड टू अली एंड मॉडर्न टाउन। हो गया, तो ये डुप्लीकेट बिल आ गया, इसके अंदर डेट वगैरह भी आ गई, इनवाइस की डेट है 24 अगस्त। तो ये पूरा बिल बन गया आपके सामने, लेकिन प्रिंटेड हो गया। तो नीचे आए तो आपको बता रहा है, कहता है टोटल जो है वो 60,000 बैलेंस है इसका, 2,50,000 ये भी है, टोटल इनवाइस अमाउंट कितनी बन रही है। तो ये पूरा बिल बन गया, समझ रहे हैं? तो पीएचपी कंप्लीट अकाउंटिंग भी है और साथ बिलिंग सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है, जिसको एज अ बिलिंग आप यूज कर सकते हो अगर आप इसको यूज करना सीख लो। तो इसका आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंट आउट कर सकते हो बआसानी, कोई मसला नहीं है। और आप चाहो तो इसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो, पीडीएफ डॉक्यूमेंट में सेव करवा। आप लोग जो है ऐसे बिलिंग कर लेंगे, इसको हम सेव कर देते हैं अभी ट्रांजेक्शन में, ठीक है? यस, तो ये हमारी ट्रांजेक्शन सेव हो गई। तो अभी हमने एक सेल कंप्लीट की है, तो सेल को चेक कहाँ से करते हैं? सेल का लिंक किन अकाउंट्स के साथ होता है? जवाब दें, रिपोर्ट्स में काम में हाँ जाएंगे हम, जहाँ से सेल का लिंक किन के साथ होता है? हाँ जी, सर, अकाउंट रिसीवेबल के साथ, ठीक है, वेंडर का पेबल के साथ या अकाउंट रिसीवेबल के साथ। तो इस पे आप देखो, यहाँ पे कस्टमर लेजर वगैरह आ जाते हैं और हम देख सकते हैं कि आधी हम जो हमने सेल की है उसके बैलेंसेस जो है पहले जो है 10 था, फिर 60,000 बच गया। ये काफी बड़ा अकाउंट से क्रेडिट हो गया, शायद ये है इसके अंदर नो एक्टिविटी। तो इसको चाहे तो आप देख भी सकते हो दोबारा, 5 वीक पे आ जाता है, इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है? तो आप लोगों को पता चल गई कि किस तरीके से हम लोग सेल कर सकते हैं। अब हमने बनाने हैं परचेज आर्डर, थोड़ा इसको मजीद जो है हम बिजनेस के लिए जिस तरीके से प्रॉपर तरीका है वैसे बनाना। तो परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर क्या होते हैं? परचेज ऑर्डर से मुराद ये है कि आप लोगों को वेंडर जो है कोई ऑफर देता है, जिस तरीके से आप देखेंगे मर्चेंट वगैरह आती है कभी इतने परसेंट चल रहा है, तो इस तरीके से मुख्तलिफ शॉप्स वालों के साथ या मार्केट वालों के पास जो है वो लेटर्स आते हैं, ठीक है? वो असल में ऑर्डर होते हैं कि हमसे अगर परचेज करो तो हम आपको एक ऑफर दे रहे हैं, कितने की हम दे रहे हैं, ठीक है? तो परचेज ऑर्डर हम बनाएंगे, हम लोग चलेंगे अकाउंटिंग में, ठीक
हम लोग भी बनाते हैं यहाँ पे, आप देखते हैं क्लास में जाते हैं हम, इसके अंदर होता है यहाँ पे परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर बनाने के लिए आप वेंडर की आईडी सेलेक्ट कर लें, इस वेंडर के लिए आप परचेज ऑर्डर इश्यू किया है, परचेज ऑर्डर नंबर 001, वो क्वांटिटी वगैरह है कि 5 डी से लो है, उससे आइटम जो है आपको लैपटॉप 530 लो, तो आपको मैं दे दूंगा 30,000। क्या तो ये ऑर्डर जो है इसका मतलब कि ट्रांजैक्शन नहीं है, ओनली ये ऑर्डर है, इसके अंदर पेमेंट वगैरह का सीन नहीं है। तो हम लोग कर देते हैं इसको सेव, चाहे तो प्रीपेड ऑर्डर का आप प्रिंट भी निकाल लें, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू करके वो तो प्रीपेड ऑर्डर बन गया, इसका प्रिंट निकाल लें। तो इसके अंदर एक और चीज लगी हुई है यहाँ पे, 2% 10 डेज नेट 30 डेज, मतलब ये एक इसके अंदर जो है इन्होंने रूल सेट किया हुआ है ऑटोमेटिकली जो सेट होता है। तो आप लोग जो है 2% को 0 कर दें, ठीक है। अब इसके बाद इसको कर देते हैं सेव, तो ये परचेज ऑर्डर सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस परचेज ऑर्डर के थ्रू हम शॉपिंग कर सकते हैं, टास्क में जाओ और परचेज एंड रिसीव इन्वेंट्री में जाओ और वेंडर ले लो, ये वेंडर है, आप देखें वो कह रहा है कि सिलेक्ट करो परचेज ऑर्डर को, यहाँ पे 001 परचेज ऑर्डर देखें आ गया। तो आप अगर यहाँ पे ये तो हम यहाँ पे रिसीव कर लेंगे कि मिसाल तो हमने 3 आइटम ले लिए, अमाउंट पेड एट परचेज, जब परचेज कर रहे थे तो कितनी हमने पे की, तो अच्छा एक और बात देखें, अगर पूरी पेमेंट पे कर देंगे ना तो आप उससे फिर आप चीज वापस नहीं कर सकते, पेज फ्री अकाउंटिंग में ये इसका रूल है, अगर आप थोड़ी पेमेंट करते हो तो फिर आप वापस कर सकते हो, नहीं तो आप अगर फुल कर देते हो तो फिर वो चीज वापस नहीं कर सकते, इसके अंदर क्रेडिट का ऑप्शन नहीं होता है। एफ डी आई सी क्या ये यार आप कर सकते हैं या फुली पेड लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब ये मुकम्मल आप देख रहे कैश के थ्रू देखा, तो ये हमने समझ गए। तो ऐसे आप परचेज ऑर्डर बना के परचेज ऑर्डर के थ्रू जो है वो मतलब के खरीदारी भी कर सकते हैं। सेल ऑर्डर क्या होते हैं, टास्क में जाओ और सेल ऑर्डर में जाओ, इसमें कंडीशन होती है एक, जैसे कि मतलब के आप जब मार्केट जाते हैं तो आप काफी शॉप्स का विजिट करते हैं और आपने देखा जनाब आप लैपटॉप लेना है मोबाइल लेना है, आप कोटेशन ले सकते हैं हमसे, ठीक है जी, जो कोटेशन है जिसमें रेट मुनासिब लगता है चीज अच्छी होती है वो परचेज करते हैं, तो यही चीज कोटेशन होती है। सेल ऑर्डर ये है कि जो हम दे रहे हैं, पहले कल हमने वेंडर ने दिया था, अभी जो हम दे रहे हैं किसी को, हम दे रहे हैं जी इसको, तो वो हमसे शॉपिंग करें, हम लोग इसको जो है क्वान्टिटी देंगे, तो अभी देंगे लैपटॉप ये वाले और एक लैपटॉप देंगे 43,000, ठीक हो गए। तो ये अभी इतनी उसको रियायत मिल गई, तो इसको हम कर देते हैं सेल, और इसको हम अभी यहाँ पे सेल इन्वाइसिंग में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको दिया था तो इसमें देखें आ चुका है, तो यहाँ पे जाएं 55, अभी इसका जो है इनवॉइस नंबर लगा दें, कोई भी लगा दें, और इसके अंदर जो है ये आ गया। अब जो है 2 पीस का हमने ऑर्डर दिया था इसको, तो शिफ्ट कितने हम कह रहे हैं 2 कर, फिर जो है वो हमारी एक्सेप्ट हुई तो हमने उसके अंदर सेव कर दिया, ठीक हो गया, अमाउंट पेड एट सेल कंप्लीट, आपके ट्रांजैक्शन की आइडेंटिटी है,
और रेफरेंस है ठीक है, पूरी प्लेट फुली पेड I-55 अमाउंट कितनी? कैश में? कैश में ओके करो, तो ये हमारी ट्रांजेक्शन होगी। प्रिंट निकालना, प्रिंट निकाल लो, बिल देखना, बिल देख लो, सेव करना सिग्नल। तो आप लोगों को ये पता चला कि किस तरीके से हम लोग सेल करते हैं और परचेज ऑर्डर बनाते हैं और इसके अलावा सेल ऑर्डर बनाते हैं, ठीक हो गया। तो अगर समझ नहीं आई हो तो यूट्यूब से लेक्चर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, अपलोड हो जाए। आज के लिए काफी है, कल फिर नई क्लास बना लगेंगे।